Good evening, ladies and gentlemen. ABM heartily welcomes each one of you to Bollywood Night. Tonight we have a lot of things lined up for you, so very soon we're starting up today's event. Till then, enjoy some music. And as you can see, right next to the stage, we have Shutterbug. So I request each one of you, go and enjoy to yourself to its fullest. The Bollywood Night of ABM. Here we go. So good evening, guys. Myself, Sia Patel. I'm sure we all are very excited because today ABM is celebrating Bollywood Night. So are we all excited? Yes or no? तो हमारा नाम है सिया पटेल. जाने से पहले कई लोगों के साथ दोस्ती करेंगे. Meanwhile, as I can see, my new friends are also joining. Hi, we welcome each one of you. तो आज के दिन बहुत सारी चीजें लाइन अप है. Tonight we have loads and loads of मस्ती, धमाल, celebration. We have loads of dhamal. So are we ready for tonight? नहीं, मुझे लग नहीं रहा है आप लोग तैयार हो. हम तैयार हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस तैयार नहीं है. So are we ready? ठीक है, हमारे स्टेज में यू नो सामने ही काफी पॉजिटिव एनर्जी है, तो आज का शो तो काफी अच्छा होगा ही. तो चलिए, सबसे पहले आप सबको हमारी ओर से हैप्पी न्यू ईयर. Nobody will wish me back. तो चलिए, यू नो हर साल हम न्यू ईयर में रेजोल्यूशन करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे. एवरी ईयर वी डिसाइड सो मेनी रेजोल्यूशंस. तो ये बताइए, देखते इस साल किसका रेजोल्यूशन सबसे फनी है. वेट लॉस्ट, एनीथिंग एल्स? कम ऑन. हाँ, यहाँ से कुछ जवाब आने वाले हैं. हमारा नाम सिया है, माइसल सिया. व्हाट्स योर नेम? प्रसाद. प्रसाद, अच्छा. प्रसाद, आप इस साल क्या करने वाले? ज्यादा से ज्यादा प्रसाद बांटने वाले हो, क्या करने वाले हो? बताइए प्रसाद जी, बताइए. ओके प्रसाद, व्हाट आर यू प्लानिंग दिस ईयर? आई मीन, व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? आर यू प्लानिंग टू यू नो गिव आउट लॉट ऑफ चैरिटी? प्रसाद, व्हाट? एंजॉयिंग ओनली. अच्छा, दिस इज अ न्यू लैंग्वेज, अन्ना स्टाइल, दैट इज चेन्नई स्टाइल. ओके ओके सो यार, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल स्माइलिंग. आई जस्ट लव योर स्माइल, आई वुड से दैट. ये बताइए, आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है? शैलेश जी. ओके, शैलेश जी इज वेरी मच पॉपुलर. हाय शैलेश. हेलो. ओके, कट डाउन द बियर एंड ओनली ओल्ड बग. ओके, सो ही इज गोना कट डाउन ऑन द अल्कोहल. वो तो कभी नहीं हो सकता, बट स्टिल ट्राई टिल यू सक्सीड. वैसे सर, आज शाम भी है कॉकटेल्स. एनीवन एल्स? लेट्स सी व्हिच इज द हिलेरियस आंसर आई गेट. सचिन गढ़े शादी करने गए. शादी करना का है? ओके, तो शादी करनी चाहिए इनको कि नहीं करनी चाहिए? ऑल द मैरिड पीपल, ही शुड गेट मैरिड और ही शुडंट गेट मैरिड? ऑफिस पे तो एक बॉस होते ही, फिर आपके घर पे भी एक बॉस हो जाएंगे. ओके, एनीवन एल्स? व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? Mine would be to stay healthy. To stay healthy. Okay, that's nice. Anyone else? I'm looking forward for the most weird answer. What's your new year resolution? Nothing. Okay, nothing is also a very good resolution. I'm gonna do nothing this year. Sit idle, my friends. Yeah. Hello, I'm here. आप सोच रहे हो कि आवाज़ किसकी? I came right here to you. Myself, Sia. What's your name? Aslam. Aslam. ये बताइए कि आपका रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन तो अभी जॉब बदलना. ओके, रेजोल्यूशन इनका बर्प है. एनीथिंग एल्स? नथिंग. एनीवन एल्स? अच्छा, यो हेलो, सत श्री अकाल. आपका नाम? सुनील रेड्डी. सुनील जी, बताइए, व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन इज लाइक गेटिंग ए हाइक फ्रॉम द कंपनी. Getting in a good appraisal. अच्छा, तो अगर बॉस सामने है तो सुन लीजिए कि इनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है टू वर्क हार्ड एंड गेट एन अप्रेजल. ओके, सो आई गॉट सो मेनी, काफ़ी चीज़ें मुझे मिली है ये साल के लिए. ओके, बिफोर आई डिक्लेयर, इज एनी वन स्टिल वॉन्ट्स टू आंसर? हाउ अबाउट यू हैंडसम? व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इस साल का न्यू रेजोल्यूशन ये है कि 2000
2017 में काफ़ी सारा रिट्रेंचमेंट हो चुका है तो 2018 में मैं नहीं चाहता कि कंपनी नहीं चाहती कि किसी को रिट्रेंचमेंट किया जाए. दैट्स इट. सो दैट्स रियली अ गुड आंसर. इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए. कम ऑन. सो इतने सारे आपने आंसर सुने, किसका आंसर आपको अच्छा लगा बताइए. शादी, कट डाउन ऑन द बियर, कट डाउन ऑन द बियर, एनीवन एल्स? शादी, ओके, हियर वी हैव द आंसर्स फॉर द शादी. एनीवन एल्स? ओके, आई हैव वन मोर लास्ट आंसर, देन वी आर गोना डिसाइड हु इज द विनर ऑफ दिस राउंड. हाय. ओके, आज शाम का रूल नंबर वन, अगर मैं आपको हाय कहूँ तो आपको मुझे हेलो कहना है. हाय. हेलो. या यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो आई वांट टू मैरी फ्रॉम यू. ओह गॉड, इनका ये साल का रेजोल्यूशन है कि हम खूबसूरत ही हमारे साथ शादी करना चाहते हैं. अगर हम शादी करेंगे तो बराती कौन कौन होगा, कौन कौन हमारी ओर से होगा, तो तालियां बजाइए. कम ऑन. ओके, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे सर, हम आपको जरूर देखेंगे आगे पार्टी में. तो ये बताइए कौन सा आंसर बेस्ट लगा. ऑडियंस वोट. मुझसे शादी, मुझसे शादी में सोचो सबको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा खाने को. और एक जन रियल में शादी कर रहे हैं, एक जन कट डाउन ऑन द बियर और नो रिटेंशन. किसको मिलना चाहिए? What do you say, sir? Out of the four, which one you like the best? Marriage. Who's married? The one who is actually getting married. Both the marriages. तो ये कह रहे हैं both the marriages. तो कौन सी marriage को मिलना चाहिए? जो माँ बाप की पसंद से कर रहे हैं कि यहाँ जो जिन्होंने मेरे को सबके सामने propose किया है, किसको मिलना चाहिए prizes? One or two? Yes. आप सबको ये नहीं लगता है कि सिया को पूछना चाहिए कि इसका resolution क्या है? What is your resolution? इस साल मैं कम बॉयफ्रेंड्स बताऊंगी. ओके ओके, सो द बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल इज टू कट डाउन ऑन द अल्कोहल, विच आई लाइक्ड इट. सो प्लीज कम फॉरवर्ड, यू आर द विनर. कम ऑन, स्टे हेल्दी. कम 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 सर, कैन हैव अ प्राइज प्लीज. सर लेकिन अगर आप आज शाम पियेंगे नहीं तो चीयर्स किसके साथ करेंगे? आफ्टर टुडे. आफ्टर टुडे. ओके, नाउ जैसे कि आप देख सकते हो राइट देयर देयर इज अ शटरबर्ग वेयर यू कैन गो स्टार्ट क्लिकिंग सम मूवमेंट्स. दिस इट्स रियली अ नाइस शटरबर्ग. तो आपने एंजॉय किया कि नहीं शटरबर्ग पे? हाँ या ना? यस या नो? केटरिंग डिपार्टमेंट, यस. नाउ आई एम श्योर यू विल गेट एनर्जी बिकॉज द स्टार्टर्स आर फ्लोटिंग नाउ. ओके, अभी एक सिंपल सा गेम अभी हम शुरू करने वाले हैं. ठीक है डीजे, अभी हम रेट्रो मेट्रो शुरू करने वाले हैं. बहुत ही, इट्स नॉट अ गेम, इज जस्ट वार्मिंग अप अ सेशन. डीजे गाना प्ले करेंगे, ठीक है? आपको गेस करना है वो वैसा गाना होगा जो पहले भी था और अभी भी हुआ है, मतलब जिनके रिमिक्स वर्जन आए हैं. तो आपको आना है आगे, यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड टेल मी द एक्टर एक्ट्रेस एंड द मूवी नेम. ठीक है, पहले के एक्टर एक्ट्रेस मूवी नेम और अभी के एक्टर एक्ट्रेस और मूवी नेम. कैन वी स्टार्ट? लेकिन जो सबसे पहले आगे आके बोलेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि आई एम श्योर ऑडियंस में से तो काफी लोग चिल्ला के आंसर्स देने वाले. द वन हु कम फॉरवर्ड राइट बिसाइड मी एन आंसर. कम ऑन, आज बैठना नहीं है, वी आर नो मोर इन द ऑफिस, वी आर पार्टिंग टुनाइट. कूल, कैन वी हैव द फर्स्ट सॉन्ग? एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गए निंदे रे. एक्टर एक्ट्रेस, कम ऑन, कौन है मूवी के? कम 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 फॉरवर्ड, कम आगे आइए. थैंक यू थैंक यू. ये बताइए पहले के एक्टर एक्ट्रेस और मूवी नेम कौन सी थी? पहले के एक्टर थे बॉम्बे, अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला. और अभी के? अभी के क्या उसका नाम है, श्रद्धा कपूर और कपूर और दूसरा भी कपूर ही है, क्या नाम है? हाँ, सिद्धार्थ राय कपूर. नहीं नहीं ओके ठीक है. इन्होंने ऑलमोस्ट 70% आंसर दे दिया, लेकिन आप प्राइस के एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप यही गाने पे एक स्टेप कर देंगे तो हमारे साथ. ठीक है डीजे, कंटिन्यू द म्यूजिक. कम ऑन, कंटिन्यू द सेम म्यूजिक. एक हो गए हम खम तुम. कम ऑन, अगर आप लोग तालियां बजाएंगे तो इनको प्राइस मिलेगा.
थैंक यू एंड स्टे बैक. आपको प्राइज नहीं चाहिए हमारे ओर से, तुसी ना जाओ. बी हियर, दिस इज फॉर यू, एंजॉय. व्हाट्स योर नेम वंस अगेन? विजय. विजय ने विजय किया है, इनके लिए जोरदार तालियां. कम ऑन विद दिस द सेकेंड वार्मिंग इट अप. वी हैव द नेक्स्ट सॉन्ग. Let's see. But अभी मैं चाहूंगी हमेशा कुछ न्यू लोग आ गया है, बिकॉज मुझे आज मेजोरिटी ऑफ द लोगों के साथ दोस्ती करनी है. कम ऑन, कैन वी हैव द नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज, नेक्स्ट ट्रैक. नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन. कोई गेस कर सकता है? Yes, yes, come forward. आगे आइए, आगे आइए. Please come forward. Yes, tell me. What's your name, sir? Sachin. Sachin, बोलिए. This movie is थानेदार and जो old song था वो संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया था. और अभी बॉलीवुड में अभी वरुण धवन और आलिया भट्ट. राइट है, राइट है. और मूवी, मूवी मूवी भूल गए आप, हमें देख के भूल गए. मुस्कुरा दिए. तो चलिए आप भी नाचेंगे तो आपको प्राइज मिल जाएगा. कम ऑन, अरे नचवाना आता है हमें. कम ऑन. शादी हो चुकी है आपकी? नहीं हुई है? गर्लफ्रेंड है? नहीं है. नहीं है, हर लड़का झूठ बोलता है. कम ऑन, आ जाइए. कैन वी हैव टू कम ऑन. इफ यू लाइकिंग हिज डांस क्लैप फॉर हिम. कम ऑन. अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे इनको प्राइज नहीं मिलेगा. थैंक यू. ऑडियंस में से बता सकते हैं कौन सी मूवी थी ये? अभी अभी कौन सी मूवी थी? पहले थानेदार थी, अभी कौन सी मूवी थी? नहीं पता. गूगल बाबा जिंदाबाद. कम ऑन. तो इनके लिए तालियां बजेगी तो ही हम प्राइज देंगे. ये लोग चाहते ही नहीं हम आपको प्राइज दें, इसलिए कोई तालियां नहीं बजा रहा है. 3, 2, 1 क्लैप फॉर हिम. कम ऑन. तालियां टैक्स फ्री है, जितनी चाहे बजा सकते हो आप. कम ऑन, कैन वी हैव अ प्राइज फॉर हिम. And last song, before we move on to the next game. This is for you, congratulations. Last song to go, then we're starting it off with the first game. Iske baad hum shuru karne wale first game. Come on, DJ wale babu. If you know the answer, come to me. Come, come running, come. Kaliyon jaisa usne jo paya har adam mein. Thank you, thank you. Okay, what's your name? Satish Rathore. मिस्टर राठौर. ओके, बड़ा ही प्यारा नाम है मिस्टर राठौर. ये बताइए कि पहले के हीरो हीरोइन कौन थे और आज के एक्टर एक्ट्रेस कौन? कुमार और रवीना टंडन. अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन, राइट. ओके, मूवी वॉज? मूवी आई डोंट नो द नेम ऑफ मूवी. ओके, और अभी के एक्टर एक्ट्रेस? अभी की कीरा आडवाणी एंड वो उनका अब्बास मस्तान का क्या नाम है? मुस्तफा. मुस्तफा, मुस्तफा. ओके, और मूवी? मूवी सही से याद नहीं है. ओके, यहाँ रुक जाइए. अच्छा, यहाँ ही रुकिए. किसे प्रॉपर आंसर आता है? आ जाइए मंच पर, आ जाइए. स्टिल यू हैव टाइम. कम ऑन, आई एम काउंटिंग ओनली टिल 5. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, कैन वी रीप्ले द ट्रैक प्लीज? कम ऑन. मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त. चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त. कम ऑन.
come forward. Go. किसे नहीं आता है? चीज़ बड़ी. Okay, ठीक है. Since आप आगे हैं और they are busy eating as if now they are really hungry. ठीक है, enjoy. क्योंकि बाद में हम आप सबको नचवाने बहुत वाले हैं. ठीक है, तो अभी की जो मूवी का नाम था वो है मशीन और पहले की मूवी का नाम था मोरा. बट इनको प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऑडियंस वोट. यस यू नो? प्लीज कैन वी हैव अ प्राइज फॉर हिम? और इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप इनको अपने हाथों से प्राइज दीजिए. कम ऑन. Thank you. Congratulations. Thank you. Okay. Before we move on towards the next act, मैं randomly चार ladies को मंच पे बुलाना चाहूँगी. कौन office में सबसे beautiful है? आगे आ जाइए. One. Come on. आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. Four beautiful ladies. Come on. From there also, I really like the way you clicking selfie. How about clicking one selfie with me? Please come forward. Come on. Come on, come on, come on. Two. आ जाइए. I'm looking forward for two more. दो जान आ चुके हैं आगे. ठीक है, आ जाइए. I'm looking forward for two more beautiful girls. Talented will also do. आप क्यों नहीं आते मैम? You are beautiful, देसी girl. Please come forward. Please आप आगे आइए, आ जाइए. You're really looking pretty tonight. Three. और चौथा audience vote. जो भी सही लगे. Please मंच पर आ जाइए हमारे साथ. आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. So tonight, enjoy some refreshing juice. Start munching some yummy starters. Very soon, we're starting and we're full on the mall. Agya ji, please come forward. I need one more. Audience, naam bataiye kise manch pe bulana chahiye. Shilpa? Shilpa the Big Boss mein. Or? Anyone, anyone, anyone? Yes. Not me. Anyone else? Can you help me with the names? Shivangi. Shivangi, we request you to please join us. Ajay, Shivangi, who is Shivangi? Please come. DJ Harsh. Hi, what's your name? Achal. Roshni. Prerna. Shivangi. Okay. So nice names and I would say you all are really looking pretty tonight. अगर आपको लगता है ये खूबसूरत लग रही है तो make some noise for them. Come on. I feel ABM में majority मारवाड़ीज है जो चिल्लाने में भी सोचते हैं. आगे आ जाइए. Okay, we playing a small impromptu. You know, usually we females are known to be a drama queen. मतलब हमारे लिए कोई भी चीज़ बहुत easy होती है. You know, कोई भी चीज़ को एकदम एक्सप्रेस करना. वी आर फुल ऑफ एक्सप्रेस. मतलब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो इम्प्रॉम्प्टू इमेजिन कीजिए, आप सभी लोग एक एक्ट्रेस है. इम्प्रॉम्प्टू आई एम गिविंग यू अ डायलॉग और आपको वो डायलॉग इनैक्ट करना है. ट्राई. ठीक है, जो बेस्ट किया आउट ऑफ द फोर इज डिक्लेयर टू बी अ विनर. सिंपल है ना? देयर इज नथिंग हार्म. सिंपल सा है, आपको एक्ट करना है. ठीक है, और जो बेस्ट किया वो जीत गया. कूल. सो कैन वी हैव, कैन वी स्टार्ट? ठीक है, तो टू मेक इट सिंपल फॉर देम मैंने चारों को एक ही डायलॉग दिया है सो दैट दे आर इजी टू कम्युनिकेट. ऑडियंस, जिसका अगर आपको अच्छा लगे तालियां बजाना. जिस पे भी ज्यादा तालियां बजी वो जीत गया. ठीक है, स्टार्टिंग इट अप विद आचल. कम फॉरवर्ड. कैमरा, लाइट, एक्शन. एक चुटकी की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू. रमेश बाबू. वेरी गुड. रमेश को आप प्यार से जी नहीं बुलाते हो ना? राइट. कहा? आ जाइए. ट्राई नेक्स्ट. इट्स ओके, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो ना.
You can translate. Yeah, it's all allowed. You can translate the same dialogue in English. Ek chutki sindoor ki. Camera, light, action. ओके एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने रमेश बाबू दैट वाज फुल ऑफ एक्सप्रेशंस कैन वी हैव द थर्ड कंटेस्टेंट कम ऑन ट्राई देयर इज नो हार्म कम ऑन यू रियली लुकिंग प्रिटी कम ऑन हियर वी गो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू आ जाइए वैसे ऑफिस में किसी का नाम बाबू है प्यार से बुलाते हैं या किसी की गर्लफ्रेंड से प्यार से बाबू बुलाती है बाबू क्या कर रहे हो खाना खाया बाबू ऐसे बोलते हैं ना आई एम श्योर ये सब सुनने के बाद आप सबको अपनी अपनी गर्लफ्रेंड याद जरूर आ रही होगी या वी गो व्हाट्स योर नेम शिवांगी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू सो आई वुड से ये चारों बेस्ट थे लेकिन लेट्स सी हु वॉन दिस गेम एक एक करके मैं आगे बुलाऊंगी आप यू हैव टू मेक नॉइस आंचल प्लीज कम फॉरवर्ड मेक सम नॉइस फॉर हर मेक नॉइस ओके योर नेम रोशनी के लिए मेक सम नॉइस प्रेरणा के लिए मेक सम नॉइस शिवानी के लिए मेक सम नॉइस ओके तो प्रेरणा और रश्मि रश्मि राइट रोशनी आ जाइए आगे आ जाइए प्रेरणा के लिए नॉइस आवाज करनी है आपको प्रेरणा के लिए नॉइस रोशनी के लिए नॉइस रोशनी इज द विनर कांग्रेचुलेशंस कम ऑन एंड आई रिक्वेस्ट ऑल दिस थ्री ब्यूटीज टू प्लीज इनको अपने हाथों से प्राइज दीजिए आप तीनों मिलकर इनको प्राइज दीजिए आ जाइए कम ऑन कैन वी ऑफर देम कम ऑन तालियां बजाइए ना टैक्स लगेगा ना जीएसटी लगेगा ओके इससे पहले हम नेक्स्ट राउंड की ओर जाएं आई एम श्योर जैसे कि आप सब देखते हो कि वी आर वेरी मच इनटू सेल्फीज हम सबको सेल्फीज बहुत पसंद है मैंने भी स्टेज पे आते साथ सबसे पहले सेल्फी क्लिक करी ठीक है अभी आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है आई एम श्योर हम सब ने अपने अपने मोबाइल फोन्स लाए हैं येस या नो 10 सेकेंड है आपके पास 10 सेकेंड में आपको सेल्फी क्लिक करनी है इधर विथ योर फ्रेंड योर बॉस योर कलीग विद अ ब्यूटिफुल गर्ल विद एनी रैंडम पीपल इट कैन बी हिलेरियस सेल्फी इट कैन बी ठुमका सेल्फी इट कैन बी पाउच सेल्फी इट कैन बी विथ लॉट ऑफ फिल्टर्स जो भी सेल्फी मुझे सबसे बेस्ट लगी कुछ हटके लगी ही शी और दैट ग्रुप इज डिक्लेयर टू बी अ विनर कैन वी स्टार्ट बट वन इंपॉर्टेंट रूल अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आपने सेल्फी नहीं क्लिक की हम सारे मोबाइल फोन जमा करेंगे और उसे भेंट में बांट देंगे तो सोच लीजिए शुरू करें वी जस्ट हैव 10 सेकेंड्स कैन वी स्टार्ट बट क्लिकिंग सेल्फी इज कंपल्सरी दीजिए 3, 2, 1 कम ऑन स्टार्ट क्लिकिंग 10 बेटा सेल्फी ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले रे ए स्टार्ट क्लिकिंग सेल्फीज कम ऑन सेल्फी ले ले रे सेल्फी लेना है आपको तू ही सनी माँ साथ कर हो तू ही कमाई मेरी और तू ही बीमा तू मेरे साथ कर हो रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा तू मेरे साथ कर हो रमा रमा तू मेरी नौटंकी
two, one. Time up, time up, time up. Can I see all the selfies? आगे आ जाइए selfies के साथ. जल्दी से आइए, हमसे पांच तक count करेंगे. हमें बस बहुत कम time में बहुत सारी चीजें करनी है. Come, come, come. Everyone, five. जो भी बैठे हैं सोच लीजिए, हम आके मोबाइल ले लेंगे. बड़े प्यार से लेंगे, समझे? तेरी कैके लेंगे. आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. सो कैन यू हेल्प मी आउट? यहाँ पे जो सर्स है, मुझे आके हेल्प कर सकते हो आप दोनों? कैन यू डिसाइड, हेल्प मी इन डिसाइडिंग? यू कैन कॉल मी सिया. जस्ट हेल्प मी सिलेक्टिंग विच इज द बेस्ट सेल्फी. आ जाइए, कम ऑन. फाइव, फोर, वरना हम आ रहे हैं आपका मोबाइल लेने के लिए. थ्री, वन बेस्ट, टू, वन. यस, कैन आई हैव द प्राइस प्लीज? सर डिसाइड किया. विच वन? दिस वन और दिस वन. सर आप क्या कहते हो, कौन सी अच्छी? ये दोनों में से कौन सी अच्छी है? ये अच्छी है कि ये अच्छी है? दिस वन और दिस वन? दिस वन. ओके, एंड यू सेइंग दिस वन. ओके, आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू प्लीज ग्रेटिफाई द विनर विद अ प्राइज, एक एक करके. एंड यस, कैन आई हैव द अदर प्राइज ऑल्सो? दिस इज दिस. Say hello at least. Hi friends. Hi friends. Okay. ये बताइए, जैसे कि मैं देख सकती हूँ, tell me one thing, today you had a working day? अच्छा, इसीलिए इतनी low energy है. Don't worry, धीरे धीरे करके आपकी energy level बढ़ा देंगे without drink. Don't worry. तो चलिए ये बताइए, आप सभी लोग आखिरी time कब जोर से हंसे थे, पेट भर के हंसे थे? कभी? जब दोस्त के साथ रहते हो. ओके, और कभी रहते? लास्ट कब दोस्त के साथ थे? पांच मिनट पहले. ओके, वेरी गुड. इनके अलावा? यस मैम, आप कब हंसी थी? ओके, वो अभी हंस रही हमारे साथ. तो चलिए, आप सबको हंसने हंसाने के लिए आ रहे आप सबके सामने एक सेलिब्रिटी स्टैंड अप कॉमेडियन. आई एम श्योर आपने उनके बारे में काफी सुना होगा. सो ऑल द पीपल, जितने भी लोग हैं तैयार हो जाइए. लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी केटरिंग डिपार्टमेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए. और जो भी लोग खड़े हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है बैठ जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि किसी का भी मिस हो. क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो जो लोग पीछे बैठे हैं वो मिस कर जाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज सेटल डाउन सो दैट नो वन मिस द सेशन. सो इंट्रोड्यूसिंग the famous stand-up comedian. I would say he's the mimicry artist, he's the comedian, he's multi-talented. I'm sure you have seen him in Dhamaal Number 1 with Sunil Pal, okay? Along with it, he's also this winner, yes, the winner of Johnny Alare on ZTV. He's been known everywhere, be it corporates, be it wedding, be it desh, videsh, sabhi jage, India ke har kone mein, हर फंक्शन में उनको बुलाया जाता है. ही इज नोन टू बी अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी. बिसाइड दिस, ही इज ऑल्सो अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. ही हैज बीन अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट फॉर कार्टून नेटवर्क, ऑल्सो फॉर FM 91.1, बब्बर शेर, एंड डबिंग फॉर परेश रावल एंड सैफ अली खान. ही इज ऑल्सो द स्क्रिप्ट राइटर. एज आई सेड, ही इज मल्टी टैलेंटेड. ही इज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, he's a mimicry artist, stand-up comedian, voiceover, script writer, and lot and on and on and on. Along with this, he was also the script writer for the famous show that is Laughter Ke Fatke and 9X Chakas. So ladies and gentlemen, he's very well known. He's the celebrity stand-up comedian. He's also known to be with one of the
stand-up comedian, that's mimicry artist Kapil Sharma. He has also worked with Kapil Sharma. He's the creative writer for Kapil Sharma. So ladies and gentlemen, be ready to welcome the famous personality, the stand-up comedian, the mimicry artist, the voiceover artist, the dubbing artist, the script writer, the one and only one, that's Mahesh up on the stage. Zordar Taniya Singh ki swagat kijiye, come on. Taniya, zor se bajni chahiye, then only he'll come, come on. Let's welcome the celebrity stand-up comedian, Mr. Mahesh. Thank you. First and foremost, Mahesh, on behalf of everyone out here, I heartily welcome you. Mahesh ji ka ek zordar taaliyon se swagat kijiyega, please. Thank you very much. Bahut bahut shukriya. Thanks a lot. I request all of you, please kindly occupy your seat. Madam, aap baith jaiye, please. Aap bahut pyari lag rahi hai. Thank you. Ladies ko bitane ka isse aur badhiya tarika nahi. Pyari lag rahi ho, baith jaati hain. Okay, thank you. Yahan par thodi si gadbad chal rahi hai. जो लोग अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, फ़ोटो खिंचाना फोटोग्राफर का काम है और आपको सिर्फ खड़े रह के पोज देना है, तो कोई बात ना करें. ग्रेट, एक बार ज़रा ज़ोरदार ताली बजाएं जो जितने बैठे हैं. आप लोग ताली बजा रहे, मजाक कर रहे हो, ज़ोर से. जो भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर रेड टी शर्ट में, बैठ जाना मेरे भाई. अच्छा नहीं लगता, जवानी में भटक रहा है. हाँ सर, आप भी बैठ जाएं प्लीज. ओके ओके, पक्का पक्का, कोई कच्चा काम करते नहीं हूँ. सो ग्रेट, मज़ा आया. एक अच्छी कंपनी के लिए हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं. ऑन बिहाफ ऑफ माय इवेंट मैनेजमेंट और मैनेजर्स की तरफ से मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने आज के इस दिन के लिए मुझे चूज़ किया, आपको हंसाने के लिए. पूरी तरह से हंसाऊँगा जब आप और हम यहाँ पर हैं. सर, हाँ, जो करना है कीजिए, आपका इवेंट है. सो आइए ज़रा थोड़ा सा देख लेते. मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर बैठे हैं, शादीशुदा है, अपनी पत्नी से अगर सच्चा प्यार करते हो तो ताली बजाए ज़रा. ये सभी झूठे लोग हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे झूठे लोग हैं. इनको मालूम है कि ये वीडियो बनेगा, कहीं ना कहीं बीवी देख लेगी, तो बजाना ज़रूरी है ना. ओके, अब देखते हैं हिंदुस्तान में. हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है, राइट? लेकिन ये महिलाएं हैं जो 100% लेती हैं रिजर्वेशन. किस तरह, देखिए, जो महिलाएं यहां पर बैठी हैं, जो मेरी बहनें यहां पर बैठी हैं, अपने आप को अगर सुंदर समझती हो तो ताली बजाए. ये सुंदर ही समझती हैं. और अब जो बिना बात के बैठे हैं, मैं थोड़ा सा, क्या है कि कपिल शर्मा के शो में हम लोग का यही होता है, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर जितने बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सब भुगते हुए लोग हैं. हाँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ देखूँ और बताऊँ, जो लोग सबसे ज़्यादा ताली बजाएंगे अभी, उसको राधे माँ को गोद में उठाने का मौका मिलेगा. कौन भक्त हैं, झूठी हुई कैडबरी भी मिलेगी. चलो, आपका तो लेना देना बनता है, लेकिन मजा है. हाँ मैडम जी, क्या थोड़ी देर के लिए? हाँ थोड़ी देर के लिए. मैं समृद्धि में आता हूँ, आप भी आती हैं, शादी ब्याह में इधर ही मिलते हैं, हम लोग कहीं जाते नहीं. आप अपना धंधा देख रहे हो, मैंने अभी दुकान खोली है, थोड़ा मेरा भी होने दो. ओके, बहुत अच्छा. एक बॉलीवुड थीम यहाँ पर रखी है और बॉलीवुड की सभी स्टार्स यहाँ पर आई हैं, कुछ तो अलग अलग. वो पहला जब मैं आया तब देख रहा था, सीएनए का अच्छा गेम लिया. वो क्या, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या समझेंगे बाबू. और वो जो अंग्रेजी में बोलने वाली थी ना, मैडम कहाँ गई, वो छुप गई. वो बोल रही थी, ऐसा लग रहा मेरे को सोनिया गांधी राजीव गांधी के लिए बोल रही थी. एक चुटकी चुटकी क्या उसके क्या समझेंगे बाबू. लेकिन मज़ा आता है, लेकिन आप लोग इंजॉय करते हैं, हर चीज़ को देखते पसंद करते. मैं थोड़ा सा टटोल रहा हूँ, मैं असली कॉमेडी पे थोड़ी देर के बाद आता हूँ, अपना एक अलग फंडा है. सो अब सब व्यवस्थित हो गए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं दुनिया का पहला पुरुष हूँ जो बड़े शान से बोलता हूँ,
इन महिलाओं के सामने हम पुरुषों की कोई औकात नहीं, कसम से बोलता हूँ, कोई औकात नहीं। महिलाएं ताली तो बजाएं, मैंने आपके बारे में अच्छी बातें बोली हैं, आप ताली बजा रहे, मजाक कर रही हैं, ऐसे लगता माता जी की आरती उतार रहे हो। जरा जोर से हाथ खोल के ताली बजाओ तो मजा आएगा, एक बार हाथ ऊंचा करके। मैंने महिलाएं कहा, आप कहां से हैं महिलाएं, आप दहिलाएं हैं। हाँ चलो चेंज हो गया, जेंडर भी चेंज कर लेते लोग अपना, ओके ग्रेट, लेकिन मजा आ रहा है। मैंने कितनी बातें देखी, लेकिन आप जैसे श्रोता जो समय पे आने वाले लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि जो हमें लिस्ट मिली थी उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं आगे। और कुछ लोग बहुत देरी से आते हैं, हिंदुस्तान की प्रथा है, उन जाने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आप समय पे आएँ और समय पे रहेंगे तो ही अपनी कंपनी को और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा दावा है। आइए, थैंक यू, पेमेंट फिक्स हो गया सर, अभी कंपनी के बारे में दो शब्द अच्छे बोलो कॉरपोरेट में पेमेंट फिक्स हो जाता, कोई टेंशन नहीं। सो अब यहाँ पर मैं असल बात खोलने जा रहा हूँ, मजाक किया जो माहौल है वो यही सी। कितनी लोग अपनी कार में 91.1 FM रेडियो सिटी सुनते हैं, रेज योर हैंड्स अप। दो ही लोग सुनते हैं, बाकी क्या है, बहरे हैं सब। ओके, अपने घरों में सुनते हो, रेडियो तो सुनते हैं 91.1, एक आवाज आती है हर घंटे में, रेडियो सिटी बब्बर शेर, तो वो आवाज इस कलाकार की होती है जो मेरा नाम है। सो वो बब्बर शेर भी बीच में होंगे, मैंने पहले बब्बर शेर से शुरुआत करने जा रहा हूं। जब कोई, ये देखो अभी है कंपनी से, ये आदमी दो जगह से, एक तो बॉस की डांट खा के और बीबी की मार खा के आया है, दोनों जगह से थका हुआ, क्या करे यार, क्या आज फंक्शन रख दिया, कल रखते थे दो क्वार्टर और मार के चले। ये हमारे यहां पंच ऐसे आते हैं, चलो जो भी है, लेकिन कोई शेर बोलता तो लोग वाह वाह करते, आप लोग थोड़ा सा वाह वाह करेंगे बड़ा मजा आता। माइंड ब्लोइंग, आपकी कपड़ों से आपकी उम्र का पता ही नहीं चल रहा। ओके, सो थोड़ा सा वाह वाह कीजिए तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, आ, 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 इतनी ठंडी तो है नहीं जितना आप पहन के आए। ओके, आओ आओ बहन, ऐसा लगता है उधार लेके आए मैं सबका। सो बड़ा मजा आता, अभी वाह वाह बोलना आपको। मैं पहला मेरा बब्बर शेर ठोकने जा रहा हूँ, और एक नज़र मेरी जो है, मेरा पहला बब्बर शेर बहुत लकी होता है जब महिलाओं से मैं शुरू करता हूँ। ये रो बहुत पसंद है, देखो लाल छड़ी मैदान खड़ी, चार चार बैठी हैं, एक की कमी होती है या चार सिग्नल बैठे हुए, तो इनसे शुरू करता हूँ। जब भी आप लाल ड्रेस पहनती हो फायर ब्रिगेड नजर आती हो, जब भी आप लाल ड्रेस पहनती हो फायर ब्रिगेड नजर आती हो, फर्क सिर्फ इतना है कि फायर ब्रिगेड आग को बुझाती है, आप दिल में आग लगाती हो। अब कौन कौन लाइन मारता है वो समझ में आया, ज्यादा वाहवा कहां से आए, तो बहुत सारे चीजें यहां से ही निकल आती हैं, लेकिन मजा आया, इतना एंजॉय कर रहा आप लोग, कसम से पहली बार मैंने मर्दों को इतने जोर से लाउडली वाहवा करते हुए देखा, लेकिन जिनकी आवाज बंद हो गई वो कुछ बोलते ही नहीं आजकल। नोटबंदी के बाद तो हम लोग टेंशन में आ गए, मोदी जी अगर 8 बजे टीवी पे आए ना, आदमी डर जाता है, और इतना कहे मित्रों, अरे ये कुछ तो बंद करेगा, आइए। नहीं नहीं, आपके लिए रोके थे, हमको क्या है, हमको तो पूरा पैसा, असिस्टेंट भी रख ली। अच्छा बोलो, क्या कंपनी पगार देती है, मुझे भी नौकरी एक रखवा दो यार। हाँ सर, वाह वाह बड़ा मजा आ गया, पहले लाल बाद में पीला, अभी हरा, यहाँ पर आकर बैठ जा तो सिग्नल कंप्लीट हो जाए हमारा। मजे हैं, बस एंजॉय कीजिए, अब टटोल टटोल के खेल रहा हूँ, चलेगा ना इसी तरह से आगे बढ़े हम लोग, है ना, क्योंकि वो सीरियस वाला माहौल, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं ना बाबा लोग, जैसे कोई हमारे देश में तो बाबाओं की खेती है, कौन बाबा कहाँ से पैदा होता पता नहीं चलता, एक आसाराम वो जेल में ऐशो आराम कर रहे हैं, वो कहाँ से, दूसरे वो राम रहीम नाम में ही घपला है, इतने बड़ा गुजराती कितने हैं यहां पर, हाथ ऊपर करें, गुजराती गुजराती क्या बात है, तमें गुजराती छो, आओ ना यहां आगे आओ, जरा जोरदार ताली है, ये दुनिया के वो लोग हैं दोस्तों, ये हिंदुस्तान के वो लोग हैं जहां हिंदुस्तान की सोच खत्म, गुजरातियों की शुरू,
ये लोग क्रिकेट में नहीं होते, इनको मालूम है बल्ला कोई भी चला है गल्ला यही संभालने वाले हैं, ये गल्ले के हकदार है, ये मालिक लोग हैं, मानता हूं मैं ऐसे लोग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और मारवाड़ी कितने हैं यहां पर, है कोई? मराठी कितने हैं, है? मारवाड़ी है सर, आप जैन छो ना, तो मैं गुजराती छो एटले ओके मारवाड़ी है, नहीं आप कुछ भी नहीं है, ये क्या जवाब हुआ? ओके मराठी कितने हाथ ऊपर करें, हाँ ये मराठी लोग होते हैं, ठेठ लोग, ठेठ, इनको ठेठ इसलिए बोलता हूं जवाब ऐसा दे देते, किसी के बाप को समझ में नहीं क्या बोला, लेकिन ऐसा जवाब। एक मराठी आदमी से मैंने पूछा, मैं एक कॉमेडी करने से पहले सोच रहा था कि कुछ बिजनेस करूं, तो मैंने सोचा कुछ बिजनेस करने के लिए पूछूं, एक मराठी आदमी को पूछा यार कुछ ऐसा धंधा बता जिसमें दूसरा मेहनत करे और मैं बैठ के पैसा कमाऊं, बोला एक काम कर सुलभ शौचालय खोल रही, दूसरा मेहनत करेगा तू दो दो रुपये लेता रहेगा, ये सीधे जवाब देते हैं। साउथ इंडियन कितने हैं, साउथ इंडियन किधर है, अरे ये टैलेंटेड लोग हैं, आ जाओ बेटा, ये बच्ची जैसी है हमारी, आ जाओ नहीं नहीं बच्ची को बच्चा होना, क्या बात है, ये लोग साउथ के होते हैं, इनके लिए कसम से जोरदार ताली बजा, कसम से, ये लोग होते हैं, इन्होंने जहां जहां उंगली की हिंदुस्तान आगे बढ़ा, देखो साइंटिस्ट रॉकेट निकल गए बराबर ना, वो भरतनाट्यम मुद्राएं है ना, एक जगह गलत उंगली कर दी आप लोगों ने मेंदू वड़े में, मेरा पूरा सांभर लीक हो गया, तो ये लोग होते हैं। थैंक यू वेरी मच, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए, आप तो प्रभु देवा दिख रहे हैं सर, यहां स्टैचू बन के खड़े हो जाइए, पेमेंट मिल जाएगा हमारे प्रॉप। हाँ देखो एक फोटो वहां पर जाके आप खींच लो, ऐसा लगेगा अमिताभ जी को काम पे रखा आपने, हाँ वैसे ही लग रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं ऐसी इसी तरह से आगे बढ़ूंगा, मेरे को मारवाड़ी लोग पसंद है बहुत, लक्ष्मी पुत्र, ये लक्ष्मी बैठे बैठे पैसा कमाने वाले लोग मारवाड़ी, मारवाड़ी वो जो अपने नौकर को बोले दुकान का ध्यान रख और सामने वाले दुकानदार को बोले नौकर का ध्यान रख, ये कहीं से लॉस नहीं खाते, अपना बिजनेस बराबर करते, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है, अच्छी अच्छी बातें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं पहले राउंड में मेरी थोड़ी सी झलकियां, मैं क्या क्या हूं, मैंने क्या किया जीवन में, आई एम अ फर्स्ट आर्टिस्ट आफ्टर जॉनी लिवर हुज डन मोर देन 275 वर्ल्ड टूर्स अमंग विद ऑल द स्टार्स, मेरे पिछले 25 साल के करियर में मैं आई एम अ विनर ऑफ जॉनी आलारे ऑन जी टीवी, मैं जॉनी लिवर के सीरियल का विनर था, इसके लिए मुझे लाफ्टर में नहीं लिया गया, लेकिन कपिल शर्मा हमारे दोस्त थे, तो बाद में राइटिंग का काम चल रहा था, मैंने 3 सीरियल लिखे, वो काम करता रहा उनके साथ, बब्बर शेर जो आप लोग सुनते हैं वो हम लोग लिखते हैं करते हैं, और आई एम अ डबिंग आर्टिस्ट ऑल्सो फॉर परेश रावल, मैंने 2 फिल्में परेश रावल के लिए की, मालामाल वीकली एंड सर, परेश रावल की आवाज़ पहले यहाँ पर पेश करूँगा जो मेरी आवाज़ है फिल्म सर में, इफ यू फील दैट 110% ये परेश रावल की आवाज़ है, आपकी जरूर तालियां चाहूंगा, याद कीजिए वेलजी भाई का वो सीन, परेश रावल फिल्म सर, नसीरुद्दीन शाह उन्हें पूछते बॉम्बे क्यों आए, गैंगस्टर क्यों बने, अपने जिंदगी की कहानी किस तरह बताते हैं परेश रावल। साला बौखला गया है, इधर आ बाइट 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 बाइट, साला तू पूछता मैं बंबई कैसे आया, गैंगस्टर कैसे बना, इधर आ बाइट 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 बाइट, गांव में था मैं, गांव में माता जी का मंदिर होता है ना, वो लोगों को अपना कंधे पर लेके जाया करता, कितना पैसा मिलता मालूम, 50 पैसा मिलता, लेकिन करता क्या, पापी पेट का सवाल था, इसलिए बंबई आ गया मैं, गैंगस्टर बना, वेलजी भाई बना, ये तेरे बस की बात नहीं रे बाबा, कालो बा तू कॉलेज जा, जा 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 जा, आप लोग देखते हैं पसंद करते हैं, मजा आ रहा है ना, ठोको थाली बीच बीच में, सो ऐसी कुछ बातें लेकर मैं कंटिन्यू करना है ना, हाँ हाँ तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि सब ध्यान तुम्हारे ऊपर है, मेरा नहीं इनका, आपने प्रॉमिस किसको किया था शादी का, पीछे हैं वो, जिंदगी में कभी आएगा नहीं आगे तू, क्योंकि ये सबसे आगे यही रहती है, तो घर में तेरे हाल क्या हो गए,
हमने पंगे नहीं लिए, तू कहाँ से ले रहा है मेरे भाई? ये मजाक है, ऐसी नहीं है लड़की, बहुत प्यारी खूबसूरत है। जरा जोरदार ताली होनी चाहिए सिया के लिए, शी इज़ वेरी गुड एंकर। आप लोग कॉरपोरेट इवेंट्स में बहुत नाम चीन कलाकारा है वो, और बहुत अच्छे गेम भी होस्ट करती हैं बड़ा। सो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें यहाँ पर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर कंपनी में ऐसा कोई है जो कपल, मतलब मियाँ बीवी दोनों काम करते हो? आप क्यों उचक उचक के बोल रहे हैं उनके बारे में? एक ही है, एचआर हो? अच्छा एचआर हैं, आ जाइए गरीब आदमी, आ जाओ आ जाओ सर आ जाइए, क्योंकि बेचारे चुपचाप बैठे थे। क्या बात है, मैं शादी के लिए गरीब बोल, दिल से आप अमीर हो। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। सर नाम क्या आपका? दीपक। दीपक आइए, क्या जा रहे हैं जल्दी क्या है? हाँ बस दीपक की वो कहाँ है, आप आपका सामान कहाँ है? आइए आइए मैम आइए, जरा जोरदार तालियां। अरे ये तो हाइटेड है, ओके क्या ग्रेट जोड़ी है। आइए आइए मैम, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। शादी कब कंपनी में ज्वाइन होने के बाद की या उसे पहले हो गई थी? पहले हो गई थी। आ जाओ जरा जोरदार तालियां, वेरी ब्यूटीफुल कपल, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए। पुरजोर पुरजोर तालियां, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप लोग, अमेजिंग। मैं आज शनिवार भी हैं, आप गाड़ी लेके आए? नहीं गाड़ी लेके आए तो सिग्नल पे नींबू और मिर्ची भी मिलते हैं बांध के, लेकिन इतने प्यारे लग रहे हैं, यहीं खड़े हो जाए, जाना नहीं है सर। थैंक यू लेकिन जाना नहीं है सर। आप जिंदगी में पहली बार किसी को आई लव यू इनके बोले थे, इनके लिए कभी आई लव यू बोले थे आप? बहुत बार। ऐसे नहीं, वो तो बहुत बार मैं आई लव यू वो नहीं चलता। यहाँ कंपनी के लोग बैठे हैं, मालिक बैठे हैं, सब बैठे हैं, इनके सामने कभी बोला होगा? नहीं बोला है। मैम बोला, बोले कभी है तुम्हारा? बोल ले आज एक थोड़ा सा वेगला हाँ, ये तू तो बहरी है। ओके अभी इनसे एक काम करवा लेते हैं, मेरे को आज के शाहरुख खान लग रहे हैं, और उनकी काजोल यहाँ पर है। सो व्हाट आई गोइंग टू डू, मैं इनके लिए डबिंग करूँगा, आवाज़ निकालूंगा। देखिए आपके कंपनी में हीरोज है यार, आप सिर्फ ऐसा करेंगे ओके हाँ, और आप रोमांटिक मूड में आ जाइए थोड़ा सा। वो आपका नाम शलाका, तो 1 2 3 बोलने के बाद मैं बोलूँगा हे आई लव यू शलाका, तब आपको ऐसे करना है ओके हाँ। जरा स्टेज पे आइए तो और सबको देखेगा। क्या सर, मैं सर नहीं हूँ। आइए आइए, एचआर ने बोला है ना, एचआर पे एचआर, ये आपके लिए आचार है ओके। ये एक्ट करवा रहा हूँ, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। वैसे दोस्तों ये मेरे कॉमेडी का पार्ट नहीं है, मेरे स्टैंडअप सिर्फ स्टैंडअप होती है, बट इतने ऑडियंस अच्छी मिली है तो हम उनके साथ खेलना चाहते हैं, कुछ नया बताना चाहते हैं। ग्रेट सर, उनकी तरफ देखिए जो भी हैं। 1 2 3 हे आई लव यू शलाका, आपको ऐसे करना जैसे रोमांटिक अंदाज, ऐसे नहीं कि चली जाओ तुम यार, ऐसे नहीं चली जाओ यार, रोमांटिक ओके। ग्रेट दीपक भाई, जरा जोरदार तालियां, जरा 3 cheers फॉर दीपक शाहरुख खान के लिए, हुर्रे ओके। 1 2 3 हे शलाका I love you यार, क्या बात, जोरदार तालियां और सीढ़ियां। थैंक यू वेरी मच। आइए मैम बैठ जाइए, क्या ग्रेट लोग है यार। वंस मोर, अभी क्या धर्मेंद्र की आवाज निकालो, बसंती ओके नहीं है, बहुत सारे लोग और एक कपल है कोई है सर, आप ही हैं? नहीं अच्छा ओके, जो भी हैं कपल, थोड़ी देर के बाद उनके पास भी आऊँगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही खेलते खेलते हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी ही बातें। मेरे को दुनिया में, मैं आई एम नॉन महाराष्ट्रियन पर्सन, लेकिन मेरी बीवी मराठी है, बहुत अच्छा लगता है। वो कोंकण की हैं, और कितने कोंकणी लोग हैं ये रायगढ़ रत्नागिरी बोलते ना वो साइड के, बहुत लोग मराठी भाषा, ये मराठी लोग हिंदी बोलते हैं ना टेंशन आ जाता है हिंदी वालों को, ऐसा मराठी। और औरतें तो भयंकर बोलती हैं, मेरे घर में उदाहरण है, एक यूपी वाला भैया बेचारा चावल लेके मेरे घर पे आ गया था चावल दिखाने के लिए, और मेरी बीवी ने चावल हाथ में लिया और भैया को ले आया, भैया चावल में खड़ा क्यों है? वो भैया तनक गया,
बोला बहन जो मैं तो बाहर खड़ा हूँ, चावल में थोड़ी खड़ा हूँ। फिर बीबी ने बोला चावल मंजे दगड़ मेलिया फेकून मारन। ये बहुत सारी कॉमेडी होती है और मराठी में उपवास बहुत होते हैं औरतों के, सोमवार मंगलवार को उपवास। उपवास के लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए होते हैं, यू नो बैटिंग्स होती है अच्छी अच्छी। एक होता है साबुदाण्याची खिचड़ी, बराबर ना, एक केल्याचा वेफर्स आणि एक असतो बटाट्याचा किस। अभी जो नॉन महाराष्ट्रीयन है वो किस कहीं अलग जाता है, वो नॉनवेज, और मराठी का बटाटे का किस वो अलग है। ये किस का किस्सा बता रहा हूँ। मैं बम्बई में पढ़ा लिखा जो भी है, बॉर्न बॉर्डर बॉम्बे, दादर में मेरी दोस्त रहती है। 15-20 साल के बाद उसके घर गया, माजी मैत्रीन, तिचा घरी गेलो मी, तिने मला बोलले आयो महेश किती वर्षांनी आलास तू, बस तुला काहीतरी करती। म्हणलं काय करते? अरे खायला काहीतरी करते। म्हणलं माझा उपवास आहे, किशच करते पटकन होईल। कुठला कल्ला? बटाट्याचा। म्हणलं तेवढा टाइम नाही मला शिवला जायचा। तिने आईला हाक मारली, आई हा महेश बघ 15 वर्षांनी आला आहे, तो म्हणते त्याचा उपवास आहे, मी म्हणते किस करते तो ऐकतच नाही, आणि तुला माहिती आहे मला येत नाही, तू करशील? आई म्हणाली तू मोठी झालीस, यायला पाहिजे, प्रयत्न तर कर, नाही जमला तर मी येते। अशी आपली मराठी भाषा आहे, कळते ते कळते सगळ्यांना वळते, लेकिन बडा मजा आहे। दोस्तो आइए आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ और आइटम। मैं फिल्मी सितारों की आवाज़ है, बॉलीवुड जो थीम है वो हमारी पूरी पेश करूँगा यहाँ पर, बॉलीवुड के कलाकारों की आवाज़ है, बैक टू बैक होगी। लेकिन उससे पहले आप और मैं, एक आम इंसान जिसे कहा जाता है, अगर आपको छींक आती है, मुझे छींक आती है, पता चलता है क्या करना है। छींक आती है तो हम लोग क्या करते हैं, नैपकिन निकालते हैं, नाक पर रखते हैं और शॉर्टकट, और भाई जी कैसे ठीक हो गया, कोई अनाड़ी देखता नहीं, चार लोग क्या खड़ा खड़ा अच्छी सामने वाला नहा लिया फोकट में। फॉरेनर तो सबसे अटके, गोरे लोग अंग्रेज, वो तो पहले कहते हैं एक्सक्यूज मी, साइड में जाते छींकते वापस आते सॉरी, पता नहीं चलता क्या करने गया था। लेकिन फिल्म स्टार लोग कहीं शूटिंग में हैं, अचानक छींक आ गई, किस तरह छींकते होंगे सोचने की बात है। शत्रुघ्न सिन्हा कैमरे के सामने खड़े हैं, डायलॉग बोल रहा, अचानक छींक, ओ अबे ओ शान पदक छठियावला तुम्हारे जैसे औंगे पौंगे वो छा, वाह ऐसा छींक दिया कैमरामैन से लेकर मेकअप मैन सभी भाग गए वहां से। दिलीप कुमार जी छींकते किसी को पता नहीं चलता, सायरा बानो को पता नहीं चलता, आप तो दूर की बात, बड़े प्यार से बस इतना ही बजट है उनके पास। अशोक कुमार जी छींकते थे ऐसा लगता है बुड्ढा 50 साल के बाद जाकर छींकेगा, इतनी लंबी छींक, छींकते तो ऐसा लगता है छींक को रास्ता बता रहा कहां से बाहर आना। ओम प्रकाश जी छींकते थे, पुराने जमाने के स्टार कॉमेडियन ओम प्रकाश, बड़ा मजा था, ऐसा लगता है कि पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ छींक रहे गाने के साथ साथ। सबसे अच्छे शाहरुख खान, इनके पास टाइम नहीं छींकने के लिए, वो क्या करते पूरे महीने भर का स्टॉक, जितना छींकना एक ही साथ, जितना छींकना एक ही साथ। ए ए ए छी निकल गए। और सबसे पागल है सैफ अली खान, बड़ा मजा आता है, सुंदर लड़की सामने आई इनको छींक आती है, वाओ छी। और सबसे हटके है धर्मेंद्र, बरसों से इंतजार में, छींक कब आएगी, बरसों से। अच्छी वो, थैंक यू वेरी मच, मजा आ रहा है, आप एंजॉय तो कर रहे हैं, अच्छी चीज है। यहाँ पर कंपनी में ऐसा कोई है जो फेमस है और अभी तक शादी नहीं हुई? एचआर, नहीं तुमको नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये अपने पे क्यों ले रही? कौन कौन? अवधूत,
मिलिन या अवधूत? मिलिन कहां पर है? मिलिन, मिलिन कहां पर है? मिलिन कहां पर? वेर आर यू मिलिन? वी नीड यू ऑन द फ्लोर. वेर इज ही? मिलिन, मिलिन कहां पर है? मिलिन आया, मिलिन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार. जरा जोरदार तालियां, थ्री चीयर्स फॉर मिलिन, मिलिन, मिलिन. एक बार और मिलिन, मिलिन आ जाओ. मेरे भाई, शादी नहीं हुई क्यों? ऐसे की नहीं, अच्छा है बैचलर, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनकी शादी हो ना हो, इनको करनी हो नहीं हो, लेकिन इनके लिए शेर बोलना पड़ेगा दोस्त. बब्बर शेर है और सब लोग वाह वाह करेंगे. ओके सिया, थोड़ा सा वाह वाह करेंगे इनके लिए. मिलिन जी यहां पर है, सब लोग वाह वाह करेंगे. मिलिन जी, ये गाना, इस ये गाना नहीं है, शेर है इस तरह से कि आपको कभी गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो. कि आपको कभी गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो, आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड. मिल रही इनको, तुमको क्या? वाह 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 वाह, हैं क्या बात. जरा जोरदार तालियां और जोर से वाह वाह होना चाहिए. के आपको कभी गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो, आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, लेकिन उसकी उम्र 70 से कम ना हो. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. जरा जोरदार तालियां. हम चाहते हैं मिलिन जी आपकी जल्दी शादी हो जाए, आप जब चाहे. थैंक यू. सेकेंड हाफ में मैं आपको नई कॉमेडी के साथ और नए सटायर के साथ आऊंगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू महेश जी, इतने आइए. इतने मस्त एंटरटेनमेंट के लिए इतनी कम तालियां, थोड़ी कम है, जोरदार होनी चाहिए. You were outstanding, very entertaining. We just loved your performance and we love you too. Hi. Catering department, inko starters khila do. Start kar do.